एवरीवन वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। सो दोस्तों फिर से आपको एक नए ब्लॉग्स में स्वागत है। दोस्तों आज का ब्लॉग्स भी बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, क्योंकि इन्फॉर्मेटिव इसीलिए होने वाला है क्योंकि आज से 7 महीना पहले हम लोग एक वीडियो बनाए थे ट्रांसमिशन टावर पर, उस पर बनाए थे तो उसका काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिला है। तो फिर हम लोग सोचे कि पार्ट टू उसका बना दे, और ट्रांसमिशन टावर में कुछ नामों के बताए थे जो कि पूरा नहीं डिटेल नहीं बताए थे, थोड़ा ही से नाम बताए थे। ट्रांसमिशन टावर में केज क्या होता है ये सब के बारे में बताए थे, तो आज फुल बताएंगे कि जो ट्रांसमिशन टावर होता है इसमें वोल्टेज कितना का जाता है और ये कितने प्रकार के होता है। तो आप लोग ब्लॉग्स में बने रहिएगा, एंड अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। और अभी हम लोग आ चुके हैं अपने खेत और आ चुके हैं, और हम लोग खेत और ट्रांसमिशन टावर लगा हुआ है। तो चलिए आप लोग ब्लॉग्स में बने रहिएगा। दो आदमी है, एक हमारे साथ अरुण भैया और हम है। इससे पहले भी बनाए थे तो दो ही आदमी आए थे, हम और ये। तो चलिए हम लोग दोनों आदमी साइकिल से आए हैं, देख सकते हैं अरुण भाई साइकिल चला रहे हैं और हम दोनों साथ में आए हैं। तो आप लोग ब्लॉग्स में बने रहिएगा, आपको दिखाएंगे, ठीक है। देख सकते हैं साइकिल चला रहे हैं, देख सकते हैं हमारे पीछे ट्रांसमिशन टावर लौक रहा है, और ट्रांसमिशन टावर में देखिए वो तार लगाया गया है। तो इसमें बोले थे कि वोल्टेज कितना होता है, इसमें वोल्टेज होता है 115 kV से लेकर 765 kV तक। इसका अगर हम वोल्टेज में बात करें तो यानी 1,15,000 से लेकर 7,65,000 के बीच में इसमें वोल्टेज जाता है, ठीक है। जो ये ट्रांसमिशन टावर होता है ये चार टाइप्स का होता है, यानी चार प्रकार के होता है। पहला होता है सस्पेंशन टावर, और दूसरा होता है टेंशन टावर, हाँ तो इसमें टेंशन टावर होता है, और तीसरा है उसका नाम है डेड एंड टर्मिनल टावर, और जो सबसे लास्ट है उसका नाम है ट्रांसपोजिशन टावर। तो ये जो ट्रांसमिशन टावर होता है चार प्रकार के होता है, और इससे पहले हम इसका नाम बता दिए थे। तो आज का ब्लॉग आपको कैसा लगा ये जरूर कमेंट में करके बताइएगा, और अभी तक वीडियो का हमारे लाइक्स नहीं किए तो जरूर लाइक किए, क्योंकि हमारे साथ अरुण भाई है और काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियो है। तो वीडियो को जरूर लाइक करिएगा, और दोस्तों में एक बार तो जरूर शेयर करिएगा। और फिर एक बार कहना चाहेंगे कि अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि इस पर बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो ब्लॉग्स के माध्यम से मिलता है, ठीक है।